गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। ये मेरा लुक आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या है। तो मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है, तो मैं चलो आपको दिखाऊं कि जब वीडियो शूट करते हैं तो कितना मैस होता है। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये देखो सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है। कुछ करना पड़ता है एक वीडियो शूट करने के लिए, और आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो और इग्नोर कर देते हो और चलो जी। क्या तो इसमें किसी के भी इतने एफर्ट्स लगे होते हैं, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स लगते हैं, और फिर सो मैनी थिंग्स है ना जो कि करनी पड़ती है। बट आप लोग वीडियो देख के इग्नोर मार के चले जाते हो, अच्छी लगे ना लगे, जस्ट बस चलो जी देख लिया, बस ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको कोई किसी का भी कोई वीडियो अच्छा लगता है तो उसे कम से कम लाइक तो कीजिए, अभी कर दीजिए, सो दैट कि उसको भी अप्रिसिएशन मिले कि जो उसका हार्डवर्क है वो किसी के काम आ रहा है, मीन्स उसके काम आ रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो एडिट व्यूमर होती है उसके लिए, तो इट्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। लाइक मी, आई हैव अ डॉटर, यू नो। तो बस वो आज घर पे नहीं थी, शी इज़ इन नानी हाउस, सो दैट्स वाई मैंने ये आज वीडियो के जो है वो शूट कर लिया, नहीं तो मैं मेरी ना ही अभी कर पाती। तो साथ साथ में चलो मैं अपना जो मेकअप है वो रिमूव कर लेती हूँ, सारा उठा के ग्रूमिंग करूँगी, ठीक है। अब वो भी अभी बस मैं भी आने वाली हूँ, बहुत मैस हो जाता है और करवाना था तो मैं भूल गई, तो इसलिए मैं बस ना इसके साथ ही काम चला रही हूँ आज फिर से। इसके साथ एक्चुअली मेकअप बहुत इंस्टेंटली जो है ना वो उतर जाता है, सो दैट्स व्हाई मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। एक तो स्किन भी जो है वो नरिश हो जाती है और स्किन को एक हाइड्रेशन जो है वो मिल जाता है। मैंने फेस वॉश कर लिया है और आपको पता है मैंने आज फर्स्ट टाइम आई लैशेस यूज़ की, और आई लैशेस की जो वो मिलती है ना आपकी ब्लू आई शेड सी ब्लैक इन कलर, और ये सारी मेरी आईज़ को यहाँ पे लग गई थी, पता नहीं ये कैसी है। मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ की, उसके साथ जो ग्लू आई थी ना वो एक्चुअली ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने ये यहीं से लोकल ही मंगवाई थी, लोकल शॉप से। तो ये भी बहुत बेकार है, अच्छी नहीं है। तो बस ये मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं ये गुड वाइप का जो विटामिन ई है नरिशिंग इम्यून जेल फेस सीरम वो लगा लूँगी अपने फेस को नरिशमेंट देने के लिए, थोड़ा सा लेके। ये भी स्किन को काफ़ी अच्छी तरह से जो है मॉइस्चराइज जो है वो कर देता है। आप कौन सा भी मॉइस्चराइज जो है वो यूज़ कर लीजिए स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैं यहाँ पे एश्योर का जो मॉइस्चराइज है वो यूज़ कर लेती हूँ। बस यही मैं आपको बस ऐसे रैंडमली दिखा रही थी कि कितना मैस होता है जब वीडियो कोई भी हम बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज़ जरूर कर, बेस्ट ही कर सकती हूँ बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट, ठीक है। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये एक रैंडमली वीडियो था मैंने आपके साथ जो शेयर किया,
जस्ट शो यू और छोटी सी चैट के साथ। अगर आपको ये भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे भी लाइक कर दीजिएगा। और टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं कब मैं शूट कर पाती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट देन प्लीज़ डोंट, देन स्टे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।